हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल आरके एजुकेशन एरेना पे। क्लास टेंथ के केमिस्ट्री के सेकंड चैप्टर में आज हमारा टॉपिक है बेस। बेस यानी कि क्षार, हिंदी में क्या कहते हैं इसे, क्षार। तो बेस के बारे में हम सारी जानकारियां लेंगे, तो लेने के लिए हम प्रॉपर्टीज ऑफ बेस जानेंगे, मतलब कि हमारा बेस यानी क्षार के गुण क्या क्या हैं। अगर हमें यह पता चल जाता है कि क्षार के गुण क्या क्या हैं, तो हमें उनके बारे में सारी जानकारी ऐसे ही मिल जाएगी। तो चलिए देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ बेस। पहला प्रॉपर्टी हम देखेंगे कि क्या होता है। सबसे आसान और सबसे सिंपल प्रॉपर्टी, बेस हैव बिटर टेस्ट। क्या होता है, बेस हैव बिटर टेस्ट। बिटर टेस्ट का मतलब, बिटर का मतलब क्या होता है, कड़वा। क्या होता है, कड़वा। तो क्या होता है, बेस का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। हमारा एसिड का कैसा होता था, सौर होता था, खट्टा होता था, तो वो क्या होता है, कड़वा। अगली प्रॉपर्टीज देखते हैं, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू। ठीक उसका उल्टा, बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, यानी कि यह रेड लिटमस पेपर को क्या करता है, ब्लू में कन्वर्ट करता है। तीसरी प्रॉपर्टी क्या है हमारी, बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन। इसके कहने का मतलब क्या है फ्रेंड्स, कि ये हमारा एक बीकर है, इस बीकर में हमने बेस सॉल्यूशन डाल दिया। बेस सॉल्यूशन जैसे कि हमारा NaOH हो सकता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड हो सकता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, एक एनोड एक कैथोड का आयन लगाएंगे, और इसमें जब हम इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से क्या होगा, फ्लो हो जाएगा। तो इससे क्या पता चलता है कि बेस जो है हमारा कंडक्ट क्या करता है, इलेक्ट्रिसिटी को। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, ये ठीक उसका अपोजिट है। आपको पिछली क्लास में हमने बताया था कि एसिड बेस से रिएक्ट करके भी सॉल्ट एंड वाटर बनाता है, तो उसी तरह से स्वाभाविक सी बात है कि वैसा ही सेम पॉइंट में हो गया कि बेस भी एसिड से रिएक्ट कर रहा है, एसिड बेस से रिएक्ट कर रहा है या बेस एसिड से रिएक्ट कर रहा है, बात बराबर है। तो बेस क्या करता है, रिएक्ट विथ एसिड क्या बनाता है, हमारा सॉल्ट एंड वाटर बनाता है। उसके बाद कैसे, एक एग्जांपल देके देखते हैं। मान लीजिए अभी मैंने आपको बताया कि NaOH यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक बेस है, और इसका मैंने एसिड यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से हमने जब इसका रिएक्शन कराया, तो ये क्या हुआ कि Na जो है यह Cl के साथ मिल गया और क्या बन गया, हमारा NaCl बन गया। और यहाँ पे एक H और एक H मिलके क्या बन गया, H2, और साथ में हमारा क्या आया, O। तो आप देख सकते हैं कि ये सोडियम क्लोराइड NaCl हमारा नमक हो गया यानी कि सॉल्ट हो गया ये, और H2O हमारा क्या बन गया, वाटर बन गया। H2O क्या बन गया, वाटर बन गया। एसिड और बेस दोनों को मैं कंपेयर करके चल रहा हूँ, जिससे कि कुछ एक पॉइंट जो उसमें छूट गए हो या आपको समझ नहीं, या आपको रिकॉल हो जाए दोबारा आपका, ठीक है। अब क्या करता है, बेस जो हमारा होता है वह क्या करता है, बेस गिव्स हाइड्रोक्साइड
आयंस, बेस क्या करता है OH आयंस हमारा देता है, जो कि क्या होता है डिजॉल्व इन वाटर, जो कि क्या होता है डिजॉल्व इन वाटर। और आपको पता है कि एसिड क्या देता था, एसिड अगर मैंने ना लिखाया हो या छूट गया हो तो आप लोग ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं साइड में एक एसिड के लिए पॉइंट लिख देता हूँ, एसिड गिव्स एच प्लस आयंस, अगर करा दिया होगा तो बहुत बढ़िया, अगर नहीं कराया हो तो ये पॉइंट आप लिख लीजिएगा। क्या देता है बेस हमारा OH नेगेटिव आयंस देता है जो कि वाटर में डिसॉल्व होता है, और एसिड हमारा क्या देता है H प्लस आयंस देता है। अब एक और बात, ये जो बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, या फिर एसिड रिएक्ट विथ बेस और सॉल्ट और वाटर देता है, तो आपको पता होना चाहिए कि हमारा जो NaCl है यानी कि सॉल्ट है उसका pH वैल्यू 7 होता है, और pH वैल्यू 7 जिसका होता है वह क्या होता है न्यूट्रल, तो इसे क्या कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिएगा कि यह एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन भी कहलाता है, क्योंकि जब भी एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है या कोई बेस किसी एसिड के साथ रिएक्ट करता है तो सॉल्ट और वाटर देता है, जो कि एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है। तो यह आपको पता लग गया। अब अगला पॉइंट देखते हैं हमारा क्या है, क्या होता है ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, यानी नॉन मेटल यानी अधातु का जो ऑक्साइड होता है, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल रिएक्ट विथ बेस, रिएक्ट विथ बेस। अब यहाँ पे एक मैं केमिकल इक्वेशन देके आपको बताऊंगा कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल यानी अधातु के जो ऑक्साइड्स होते हैं उन्हें अगर बेस से रिएक्शन कराया जाए तो वह क्या देता है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड क्या हुआ, यह हमारा एक नॉन मेटल है, इसे मैंने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से, जो कि हमारा क्या है एक ऑक्साइड है, CaOH का होल ट्वाइस क्या है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, और CO2 हमारा क्या है, CO2 हमारा क्या है एक नॉन मेटल है, इसे जब हम आपस में रिएक्ट कराते हैं तो हमारा क्या बनता है CaCO3, जो कि हमारा क्या है कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में हमारा क्या बनता है H2O यानी कि वाटर। तो ऑक्साइड्स के नॉन मेटल्स अगर बेस से रिएक्ट कराते हैं तो वो क्या बनाते हैं कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में वाटर बनाते हैं, ये एक एग्जांपल से आप देख सकते हैं, नॉर्मली सा पॉइंट है, अलग अलग रिएक्शन के साथ अलग अलग इक्वेशन के साथ रिएक्ट करेगा तो अलग अलग बनेगा, ये मैं नॉर्मली एग्जाम्पल के लिए आपको बता दिया हूँ। अब पॉइंट अगला पॉइंट क्या है कि डिजॉल्व बेस इन वाटर कॉल्ड एल्केली, डिजॉल्व बेस इन वाटर कॉल्ड एल्केली। आपसे पूछ सकता है कि वैसा बेस या क्षार जो वाटर में डिजॉल्व हो जाता है तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उस बेस को क्या कहते हैं, तो वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उस बेस को एल्केली कहते हैं, वाटर में डिजॉल्व होने के बाद उस बेस को क्या कहते हैं एल्केली कहते हैं। अगला पॉइंट देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है इसमें, बेस lost their basicity react with acid,
ये जो पॉइंट है ये आपको यहीं से पता लग रहा है, ये पॉइंट क्या है यहीं से आपको पता लग रहा है, क्योंकि बेस जब एसिड से रिएक्ट कर रहा है तो अपने बेसिसिटी को यानी कि क्षारीयता को खो रहा है और क्या बन जा रहा है, सॉल्ट बन जा रहा है, यानी कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन हो जा रहा है। यानी एसिड भी अगर बेस से रिएक्ट करता है या बेस एसिड से रिएक्ट करता है तो वह अपनी एसिडिटी या फिर बेसिसिटी क्या करता है, खो देता है। तो ये पॉइंट तो आपको पता लग ही लग गया। अब क्या होता है, बेसिस फील सोपी, बेसिस फील सोपी। अब सोपी क्या होता है आप जानते हैं, साबुन, साबुन को जैसा आप फील करते हैं छूने पे या लगाने पे, तो बेस का फील क्या होता है, सोपी टाइप का होता है, यानी कि साबुन टाइप का होता है। कुछ एक बेस के एग्जांपल मैं आपको बता दूं, तो NaOH जिसे क्या कहते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH पोटेशियम पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। तो इसी तरह से कुछ एक क्या है, बेस जिसके एग्जांपल मैंने आपको बताए। अब एक पॉइंट और लिख लीजिए जिसका मैं आपको बाद में बताऊंगा, pH वैल्यू ऑफ बेस लाइज बिटवीन 8 to 14। pH वैल्यू ऑफ बेस लाइज बिटवीन 8 to 14। ये मैंने आपको एसिड में नहीं बताया था, एसिड का लिख लीजिए आप लोग, pH वैल्यू ऑफ एसिड लाइज बिटवीन 1 to 7। तो ये कुछ बेसिक्स पॉइंट थे हमारे जो कि बेस के थे, और ये प्रॉपर्टीज थे हमारे बेस के, हम एक बार इसको रिकॉल करेंगे। वैसे pH वैल्यू मैंने 1 to 7, 8 to 14 मैंने बता दिया, नेक्स्ट क्लास में जब मैं आपको pH स्केल बताऊंगा तो उसमें डिटेल में आपको बताऊंगा। लेकिन इस कुछ पॉइंट जो बेस की प्रॉपर्टी, जो एसिड की प्रॉपर्टी जो पिछले दो क्लास में हमने आपको बताया, उसमें हमें लिखना जरूरी था, इसलिए मैंने ये पॉइंट्स आपको लिखा दिए। तो चलिए एक बार रिकॉल करते हैं, बेस हैव बिटर टेस्ट, मतलब क्षार का टेस्ट कैसा होता है, कड़वा होता है। बेस टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, बेस क्या करता है, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट करता है, कलर उसका चेंज कर देता है। और एसिड क्या करता है, ब्लू को रेड में करता है। बेस कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन सॉल्यूशन, यानी कि बेस के जो सॉल्यूशंस हैं उनसे इलेक्ट्रिसिटी बहुत आसानी से पास हो जाती है, वह सुचालक होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बेस रिएक्ट विथ एसिड टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर, बेस क्या करता है, एसिड से रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाता है। बेस गिव्स OH नेगेटिव आयंस डिजॉल्व इन वाटर, बेस क्या करता है, हाइड्रोक्साइड आयंस बनाता है जो कि वाटर में डिजॉल्व है। ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल, एक ऑक्साइड्स, एक नॉन मेटल जो कि CO2 है उसका मैंने एग्जांपल लिया, और उसे हमने ऑक्साइड्स जो कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH का होल ट्वाइस से मैंने जब रिएक्शन कराया तो हमारे पास कैल्शियम कार्बोनेट और साथ में H2O बन के आया। यह उतना इम्पोर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन नॉर्मली जानने के लिए, याद करने के लिए मैंने आपको बता दिया। डिजॉल्व बेस इन वाटर कॉल्ड एल्कलाई, कभी कभी पूछ देता है कि एल्कलाई क्या होता है, तो एल्कलाई क्या होता है, वैसा मैटर होता है जो कि वाटर में डिजॉल्व बेस होता है, यानी कि जो क्षार वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं। बेसिस फील, यहाँ पे फीड मैंने लिख दिया, फील, बेसिस फील सोपी होता है, यानी कि महसूस करने में उसको फील जब करते हैं तो साबुन के तरह उसको हम महसूस करते हैं, जैसे कि NaOH, KOH। एक पॉइंट और यहाँ पे है कि ये जो बेस होता है ये इलेक्ट्रोलाइट भी होता है, बेस आर इलेक्ट्रोलाइट। अभी जब मैंने ये एग्जांपल देखा तो हमें ध्यान में आया कि बेस क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट होता है, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड और KOH। और इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट जब मान लीजिए कि कोई भी
सॉल्यूशंस में अगर हम बेस को डालेंगे तो वह उसे क्या करेगा, दो भागों में डिवाइड कर देगा, उसको तोड़ देगा, यानी कि वह क्या करता है, उसे तोड़ देता है, दो भागों में विभक्त कर देता है। तो बेस क्या है, हमारा इलेक्ट्रोलाइट है। पीएच वैल्यू ऑफ बेस लाई करता है 8 से 14 के बीच में। और दो पॉइंट जो एसिड के हमने लिखाए थे वो क्या था कि एसिड जो है वो हाइड्रोजन आयंस देता है, यानी कि एच प्लस आयंस देता है, और पीएच वैल्यू ऑफ एसिड जो होता है वो लाई करता है 1 से 7 के बीच में। तो ये कुछ बेस और एसिड्स के जो प्रॉपर्टीज़ मैंने आपको बताएं, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज है जिन्हें आपको याद रखना है, किसी भी एग्ज़ाम में आपको ये पूछेगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएच स्केल के बारे में बात करेंगे। तो आज की क्लास को यहीं पे रखते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।